जहां देश प्रदेश भर में कोरोना का कहर जारी है और जलती चिताएं कहर को बयां कर रही है, साथ ही शासन प्रशासन के आश्वासन और बयानों से जनता भी तंग आ चुकी है, क्योंकि अब उन्हें भी ऑक्सीजन इंजेक्शन व अन्य फार्म सुविधाओं के लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ रहा है। ना ही ऑक्सीजन है और ना ही बेड है और साथ ही में स्थिति बद से बदतर है। तो वहीं शहर में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है और कुछ से उठक बैठक भी लगाई जा रही है। परेशानियां चल रही है, तो क्या खाली ले जा रहे हैं, भरे क्या कर रहे हैं? तो सुबह सिलेंडर कहाँ से ला रहे हैं? कितने किलोमीटर का सफर है? 55। सोए कब थे आप? सोते नहीं सर, बाद टाइम मिल जाए एक दो घंटे सोने के लिए। कितने सिलेंडर है इसमें? 20 सिलेंडर है सर। तो वहाँ क्या चार्जेस, कैसी क्या व्यवस्था है वहाँ पर? व्यवस्था सर वो लोग भी लगे हुए हैं, बाकी सिलेंडर की जितनी ज़्यादा लग रहे हैं वो लोग कमी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कितने किलो का सिलेंडर है? एक सिलेंडर है सर 90 किलो का। तो कितने किलो देते हैं एक सिलेंडर में? एक सिलेंडर में वो गैस तो 5-6 किलो आती है, तो सिलेंडर का ही वजन इतना रहता है। अच्छा, तो यूँ सिलेंडर कितने लीटर मतलब आती है, यूँ एक्चुअल कितनी आती थी पहले? उसका कोई आइडिया नहीं सर। क्या नाम है आपका, कौन सी कंपनी से? ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, एम्प्लॉय के घर से लैपटॉप कलेक्ट करना है, उसने कल छोड़ दिया, कल उसका लास्ट डे था। अच्छा सर, तो कल ही ले लेना था, अपन बेवजह निकलेंगे तो कैसे चलेगा? लोग नाइट में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, मेरा 12 बजे से शिफ्ट चालू होता है। अच्छा, एक ही लैपटॉप से काम करते हो आप? नहीं, लैपटॉप सबको दे के रखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम पे। अच्छा, तो आपको नहीं दिया लैपटॉप? मेरे को दिया है, पर मेरे को कलेक्ट करना है ना ऑफिस के लिए। नहीं तो सबको दिया है तो आपको भी दिया होगा ना घर के लिए? अपने लिए नहीं ले रहा हूँ जी, उस एम्प्लॉय ने कल छोड़ दिया है, ऑफिस छोड़ दिया। अच्छा, तो लैपटॉप कलेक्ट करना है। क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा। कहाँ काम करते हैं? सॉफ्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। इंदौर में कर्फ्यू के दौरान अभी भी लोगों की आवाजाही देखी जा सकती है, तो कहीं सड़कें सुनसान है, बाजार बंद है, वहीं जरूरत सामग्री हेतु विशेष प्रोटोकॉल के अंतर्गत छूट दी गई है, तो वहीं जिसका फायदा भी लापरवाह उठा रहे हैं, तो पुलिस इनसे भी सख्ती से निपट रही है। किल्लत झेलना पड़ रही है, बताइए अभी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, सिलेंडर के लिए चैरिटी पता कर रहे हैं हम लोग जी, तो उसके लिए पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं पेमेंट कलेक्ट? सर हमारे राउंड टेबल के 20-30 मेंबर जो हैं उनके कुछ से तो अमाउंट। अभी तक कितने लोगों को राहत मिली? अभी तक तो सर हमने 4-5 लोगों से ले लिए हैं जो चैरिटी के लिए वो करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? तुलसीराम जी। जी सर, अंकल जी वहाँ पर भर्ती अभी करवा था। जी सर, थैंक यू सर। और यहाँ पे हमारे साथ में है सुमंत जी, इनसे बात करते हैं क्या स्थिति है। जी सुमंत जी, बताइए कि अभी कुछ छूट दी रखी है गाइडलाइन में और कल सख्ती से पालन कराया जा रहा था, तो देखिए सख्ती तो अभी बरकरार है, जैसा कि भी जो माननीय कलेक्टर महोदय का जो निर्देश है उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये एक मुख्य सड़क है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक का आवागमन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, मगर अगर देखा जाए तो हम सुबह से लगे हैं, तो या तो कोई डॉक्टर है अस्पताल में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, या फिर वो परिवारजन है जिनका कोई अपना एडमिट है, या जो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग करवाने जा रहा है, या फिर उनको भोजन देने जा रहा है, इस तरह के मिलेंगे।
साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी 10 से 3 बजे का समय दिया था, उसके अनुसार वो देखने को मिल रहा है। तो अभी जैसे कल कार्रवाई हो रही थी, रोका जा रहा था, सख्ती से पालन कराया जा रहा था, चेकिंग की जा रही थी, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा इस प्रकार से। देखिए अभी जस्ट वो जो अस्थाई बस जो है वो जेल के रूप में बनाई है, तो वहाँ पर रोका गया और काफ़ी लोगों को उसमें बिठाया गया था, नाम नंबर भी नोट किए गए थे। और चूँकि अभी जो ट्रैफिक है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मतलब अभी कम हो चुका है। अभी कार्रवाई और चेकिंग कब चलेगी, मतलब जो कार्ड आर्ड लेते हैं चेकिंग करते हैं वो कब से स्टार्ट होगा? वो अभी भी कंटिन्यू है और शाम के समय भी चलेगी, पर अभी हम बैरिकेडिंग करवा रहे हैं। ये जो बैरिकेडिंग जो स्टॉपर थे, पर कई बार लोग स्टॉपर कूद के आ जाते थे, स्टॉपर को हटा देते थे, तो इसलिए ये अभी परमानेंट बैरिकेडिंग होगी। क्या कहना चाहते हैं शहर को, क्या कहना चाहते हैं अभी की यथावत स्थिति को देखते हुए? देखो अभी की स्थिति को देखते हुए और केसेस को देखते हुए यही देखने को मिला कि पॉजिटिव रेट जो है, जो रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट तो बड़ा है, मगर उसके साथ ही जो डेथ रेशियो भी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं अब तक लोगों से यही निवेदन है कि घर पर बने रहें, और बाकी परेशानियां हैं, समस्या है, मगर ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा का सवाल है, तो अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत, जय। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।